Hello friends and welcome to another episode of Bollywood This Week. इस हफ्ते रिलीज हुई द वेरी मच अवेटेड सलमान खान फिल्म प्रोडक्शन की फिल्म हीरो. वाओ, आई मीन इतने दिनों के बाद इतनी बेहतरीन रोमांटिक मूवी आई है. फ्रेश मूवी, फ्रेश स्टारकास्ट, बहुत मज़ा आया है थिएटर में. बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाई है इन लोगों ने. हीरो स्टार्स सूरज पंचोली ए के ए सूरज बाबा, अथिया शेट्टी एज राधा, सूरज पंचोली के डैडी आदित्य पंचोली, तिग्मांशु धूलिया, शरद केलकर, अनीता हसनंदानी, विवेन भतेना, सुरेश मेनन एंड चेतन हंसराज. क्या कहानी है फिल्म हीरो की? हीरो कहानी शुरू होती है आदित्य पंचोली के बेटे से, सूरज पंचोली. सूरज पंचोली आदित्य पंचोली के बेटे इस फिल्म में ही बने हैं, लेकिन एक वैसे बाप बेटे का रिलेशन नहीं, लेकिन एक अलग तरीके का. वो उनको बाप मानते हैं. वो एक एरिया के गुंडे रहते हैं. उनका काम रहता है मांडवली करना, पैसे वसूल करना. अथिया शेट्टी इज अ डॉटर ऑफ द DGP तिग्मांशु धूलिया. शी इज अ फन लविंग गर्ल, दे गो आउट फॉर पार्टीज, गुड एंजॉयिंग लाइफ. शी इज गोइंग टू पैरिस. वो पैरिस जाने वाली है डांस में PhD करने के लिए. तभी आदित्य पंचोली जो कि पाशा भाई रहते हैं इस फिल्म में, इज अ वेल नोन पॉलिटिशियन, जो अरेस्ट कर लेते हैं तिग्मांशु धूलिया. केस की फाइनल हियरिंग आने वाली रहती है. आदित्य पंचोली के पास कोई ऑप्शन नहीं पाशा भाई के पास कि वो जेल से किस तरह रिहा हो. इसीलिए वो जो तिग्मांशु धूलिया की बेटी है DGP की, जो है राधा अथिया शेट्टी, उनको किडनैप करवा लेते हैं. किससे किडनैप कराते हैं? सूरज बाबा से. सूरज बाबा उनको पुलिस बन के अथिया शेट्टी को किडनैप कर लेते हैं और उनको एक शिमला जैसे एरिया में लेकर चले जाते हैं. वहाँ पर अथिया शेट्टी भी इनको पुलिस समझती है. पुलिस समझ के वो सूरज बाबा से प्यार करने लग जाती है. लेकिन क्या सूरज बाबा सच में पुलिस है? नहीं. तिग्मांशु धूलिया इसी दौरान राधा और सूरज बाबा दोनों को ट्रेस करके उनको पकड़ लेते हैं. लेकिन सूरज पंचोली अथिया शेट्टी दोनों भागने में कामयाब हो जाते हैं. उसी दौरान उनका प्यार और आगे बढ़ता है. फिर उसी दौरान आदित्य पंचोली, जिनकी डेट तारीख नज़दीक आने वाली रहती है, वो डिसाइड करते हैं कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो तिग्मांशु धूलिया को मारना पड़ेगा. इसीलिए जिस दिन उनकी कोर्ट की तारीख रहती है, वो वहाँ कोर्ट के पास एक बॉम्ब ब्लास्ट करा देते हैं. लेकिन तभी अथिया शेट्टी सूरज पंचोली को कन्विंस करती है कि अगर वो उनसे सच्चा प्यार करती है तो वो पुलिस को सरेंडर करे. सूरज पंचोली अथिया शेट्टी को लेकर कोर्ट आते हैं. वहीं ब्लास्ट होता है. सूरज पंचोली के जो पिताजी है आदित्य पंचोली भागने में कामयाब हो जाते हैं. इंटरवल पॉइंट, तिग्मांशु धूलिया, सूरज पंचोली, उनके सर पे बंदूक और बीच में अथिया शेट्टी. इंटरवल, बेहतरीन फिल्म. इसके आगे कहानी आपको नहीं बताऊंगा. ब्यूटीफुल फिल्म है. चलिए आते हैं फिल्म के स्टारकास्ट पे. सूरज पंचोली, सूरज पंचोली की एंट्री मैं बता रहा हूँ आपको, माइंड ब्लोइंग है. पब्लिक इतनी सीटी मारती है, क्या बॉडी है. पैंड्रा सीलिंग के पास वो एक्सरसाइज करते हुए पाए जाते हैं, सुपर. उसके बाद जो जो डांस के लेजेंड हमें गाना है, उन्होंने उसमें एक लेजर परफॉर्मेंस दिया है. फैबुलस डांस इन दैट लेजर परफॉर्मेंस, इतना बेहतरीन है उनका डांस, दैट इज अ हाईलाइट. अथिया शेट्टी पे आते हैं. अथिया शेट्टी इज अ फ्रेश एयर, इज अ ब्रीज ऑफ फ्रेश एयर. वो थक गए हैं वो हीरोइनों को देख के, पैनकेक मुंह पे लगा कर, लिपस्टिक पोत कर जो स्क्रीन पर आती है, बेवकूफ लगती है एक नंबर की. शी इज वेरी डिसेंट, लुक्स लाइक अ कॉमन गर्ल. लोग बोलते हैं उनको एक्टिंग नहीं आती, लेकिन ये फिल्म में एक्टिंग करने की जरूरत ही नहीं. नेचुरल इमोशन लाती हैं वो इस फिल्म में. तिग्मांशु धूलिया, पहचाना इनको? यही है कह के लेंगे, वसेपुर में जिसको नवाजुद्दीन मारते हैं. ब्यूटीफुल, ऐसा फादर मैंने कभी नहीं देखा. इतने टेंशन में वो कूल रहता है, लेकिन आंखों में गुस्सा. शरद केलकर जो लय भारी में विलन बने, आप अगर जानते हो उनको, उन्होंने भी जो जो अथिया शेट्टी उनके भाई का रोल बहुत बेहतरीन. अनीता हसनंदानी जो काव्या अंजलि सीरियल में आती है, कुछ तुषार कपूर के साथ कुछ तो एक फिल्म में उनका डेब्यू किया, उन्होंने भी अच्छा काम किया है. सुरेश मेनन इज वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडियंस वी हैव इन बॉलीवुड. लेकिन उनको कोई काम क्यों नहीं था समझ में नहीं आता. इसमें उन्होंने BBM करके कैरेक्टर का काम किया है. BBM इज फैबुलस इन द मूवी, ब्यूटीफुल. आई थिंक सुरेश मेनन शुड बी गिवन मोर रोल्स. चेतन हंसराज, ओ गॉड, ही इज अ ग्रीक गॉड मैन. क्या बॉडी बनाया है चेतन हंसराज ने. एक सीन है, सूरज बाबा चेतन हंसराज को किक मारते हैं, उनको लगती नहीं है, गिरते भी नहीं है, ब्यूटीफुल. विवेन भतेना, मैं बता दूं आपको ये विवेन भतेना कौन है. ये जो चक दे इंडिया में जो इंडिया के वाइस कैप्टन बनते हैं, इनको जो हीरोइन रिजेक्ट कर देती, वो है ये. ब्यूटीफुल काम किया है. इंटरवल के बाद आते हैं. क्या कैरेक्टर है इनका ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन बेहतरीन है ये. आदित्य पंचोली जो पाशा का रोल कर रहे हैं, वाओ, ब्यूटीफुल एक्टिंग. बाप बेटों की केमिस्ट्री बहुत बेहतरीन लगती है इस फिल्म में. चलो आते हैं इस कहानी पर. ये फिल्म एक रीमेक है सुभाष घई की हीरो की, लेकिन इट इज नॉट एट ऑल पार ऑन हीरो. हीरो को भूल कर जाइए. उसमें अमरीश पुरी पाशा बनते हैं,
नो, ये अलग ही फिल्म है। ये फिल्म मत सोच के जाना कि वैसी फिल्म होगी, ये बहुत ही अलग फिल्म है। ये सब ब्रीज ऑफ फ्रेश है। निखिल अडवाणी इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत जस्टिस किया दोनों हीरोइन के साथ। सूरज पंचोली इज अ सुपरस्टार, ये लड़का बहुत आगे जाएगा। इज ब्यूटिफुल इन द मूवी, बेहतरीन। इसके अंदर एक सीन है जब सूरज पंचोली अथिया शेट्टी को लेकर जंप मारते हैं ब्रिज के ऊपर से, फैबुलस, यू गेट गूज बम्प्स। इनका जो कोरियोग्राफी एक्शन सीन है वो भी बहुत ब्रिलियंटली कोरियोग्राफ किया गया। गाने इस फिल्म के ब्रिलियंट है। सेकेंड हाफ में असली फिल्म स्टार्ट होती है, ट्विस्ट एंड टर्न्स इस फिल्म में। आपको बोर होने जरा नहीं देगी ये फिल्म। यंग मूवी है, फ्रेश मूवी है, खुशी से गाई है। एंड में सलमान खान का गाना स्क्रीन पर आता है, दिल खुश हो जाता है। वो गाने के लिए फिल्म देख सकते हो। कुछ लोग बोल रहे हैं कि गाना एकदम छोटा सा दिखाया गया है फिल्म में, अरे बेवकूफों। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारे घर का टीवी इतना छोटा, इतना बड़ा छोटा टीवी तो घर पे फिल्म देखो, क्यों थिएटर जा रहे हो देखने के लिए। जरा भी ऐसी बात नहीं है। अच्छा खासा बड़ा सलमान खान का गाना आता है, उसमें नीचे एंड में क्या होता है वो भी दिखाते हैं। सो गो गाइज, वॉच हीरो। आई गिव हीरो 1, 2, 3, 3 stars फॉर अ न्यू कमर फिल्म, इज वेरी बिग थिंग। सो टिल देन, नेक्स्ट वीक हम आएंगे लेकर कट्टी बट्टी का रिव्यू। टिल देन कीप वॉचिंग एंड गाइज शो सम लव मैन, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।